आज हम सभी यहां से मुहर्रम के जुलूस में एक संदेश पूरे विश्व को और पूरे मुल्क को और जम्मू कश्मीर को भेजना चाहते हैं कि आज हम सारे हजरत इमाम हुसैन की शहादतों को शहादत देने के लिए यहां पे सभी लोग इकट्ठे हुए और कर्बला में जो शहीद हुए हैं उनकी याद में हम मातम मना रहे हैं और साथ में हम इस मौके के ऊपर हजरत इमाम हुसैन जी से ये दुआ करते हैं कि आप हमारे जम्मू कश्मीर में पीस नॉर्मलिसी शांति की बहाली करें, भाईचारा हमारा बना रहे। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम मजहबों के लोग एक साथ रहना चाहते हैं और हमें भाईचारे के साथ रहने दिया जाए क्योंकि कुछ ताकतें हमारे जम्मू कश्मीर में हालात खराब करना चाहती हैं, उसे हम कभी भी कामयाब जम्मू कश्मीर में नहीं होने देंगे। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। इंसानियत के लिए दी, इंसानियत की बका के लिए दी है और आज ज़रूरत है इमाम के मिशन पे चलने की ज़रूरत है। और जो ये शियाज़म है ये पीस का एक रिलीजन है, ये पीस जो है अमन चैन शांति का पैगाम लेके आता है और लालच से उबा उठ के ऊपर उठ के ये चीज़ें करता है। ये है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात को अपनाने की क्या ज़रूरत है उस समाज में जहां हम लोग ही कई हिस्सों में तकसीम होते हैं। देखिए अभी रिसेंटली पाकिस्तान में मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, मॉर्नर जो थे वो वहाँ पर शहीद किए गए और इमाम अली वो भी नमाज के वक्त में उनको ही ज़र्ब शदीद आया। तो और हमें ये देखना पड़ेगा, मुस्लिम उम्मा को देखना पड़ेगा कि लालच इस्लाम में नहीं है, भाईचारा है, नफ़रत की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए इस चीज़ को फ़रोग देना बहुत ज़रूरी है, इंसानियत को और पीस को देना बहुत ज़रूरी है और ये आलमों का काम है कि वो अच्छा मिशन अच्छी तरबियत जो है वो लोगों में बचाए। जम्मू में आपने मातम तारी यहाँ पे आज़ादार निकले लेकिन कश्मीर के कुछ हिस्सों में रिस्ट्रिक्शंस भी रही, तो किस तरह से देखिए हाथ की पांच उंगलियां बराबर नहीं हैं एक, और हिब्बुल वतन होना एक सबसे बड़ा मिशन था इमाम हुसैन का, वो अपने वतन के साथ प्यार करना सिखाते हैं। और कश्मीर में कई शरारती अनासर है जो मुल्क के खिलाफ नारे लगाते हैं, इसलिए वहाँ रिस्ट्रिक्शन रखी गई है, नॉट परमानेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। घरों में आपके मातम हो रहा है, मोहल्लों में जुलूस निकल रहा है, सिर्फ यह है कि सड़क पे आने की वहाँ इजाज़त नहीं दी गई जो ये मुझे पता है। जिसमें छः महीने के अली असगर से लेकर इमाम हुसैन तक सब जवान और जितने भी थे 72 अफराद उन सब की शहादत हुई। इमाम हुसैन ने यह शहादत आतंकवाद के खिलाफ भाईचारे के लिए और एक तरफा के लिए सब मज़हबों को लेकर
सब में प्यार मोहब्बत रहे। और इमाम हुसैन का ये मैसेज था कि हमेशा पुरसकून आराम से हर एक इंसान को हर एक मज़हब की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो हिंद हो या कोई और जगह हो। तभी तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भारत में अगर आ जाता, पलकों पे बिठाया जाता, यूँ लाल बनी हाशिम का धोखे से ना मारा जाता। तो ये जो प्रोसेशन है ये अंजुमन हैदरी की तरफ से आज यहाँ से निकल रहा है और ये बारास्ता होता हुआ करबला तक मुसलसल अपने रास्ते तय करता हुआ, मंजिलें तय करता हुआ पहुँचेगा। आज का मैसेज यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही सबसे तवक्को की कि भाई भाईचारा, अमन, शांति और जो है अहिंसा, उसके मार्ग पर चला जाए। शुक्रिया। जिस तरह से कई इलाकों में, जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में बंदिशें भी आयद की गई है आज के दिन के मौके पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बंदिशें जनाब कुछ ऐसे अफराद होते हैं, क्योंकि ये हम लोग जम्मू से वाबस्तगी है और जम्मू में यहाँ पर हमारे और भी दो जुलूस निकले हैं जिसके अंदर कोई भी ऐसा इंतशार पैदा नहीं हुआ, कोई भी ऐसा जो है अनडिसिप्लिन यहाँ पर प्रोग्राम नहीं हुआ। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और ये कोई हुसैन मेरा नहीं है, ये हुसैन पूरी कायनात का है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का है। और यहाँ पर इमाम हुसैन के जुलूस में शमूलियत करने के लिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए इसमें से मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें उनकी पूरी भी होती हैं। और ये इमाम हुसैन का जो मैसेज है वो ये हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा है, एकता है, महानता है, एक दूसरे का भाईचारा है, यही पैगाम इमाम हुसैन ने हमें दिया है। तो उन्होंने अपनी जो जान थी वो करबला में जो है व्यर्थ नहीं की। आज यजीद तो ख़त्म हो गया लेकिन हुसैन ता कयामत तक जिंदा है, जिंदा रहेगा, जिंदाबाद। लब्बैक या हुसैन।